अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम रोज़ मुख्तलिफ सड़कों पर सफ़र करते हैं। कई सड़कें बहुत ज़बरदस्त होती हैं, लेकिन कई सड़कें ऐसी ख़राब होती हैं जो इंसान के जान जाने की वजह बनती हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद चंद ऐसी सड़कों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन पर आप कभी सफ़र नहीं करना चाहेंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 1, जेम्स डेल्टन हाईवे। दोस्तों, अलास्का में दुनिया के सबसे एक्सट्रीम रोड पाए जाते हैं। इनमें से एक जेम्स डेल्टन हाईवे है। ये हाईवे दुनिया के सबसे डरावने और वीरान रोड में से एक है। इसका ज्यादातर इस्तेमाल ट्रक ड्राइवर्स करते हैं। इस हाईवे को 1974 में बनाया गया था। ये हाईवे अलास्का को आर्कटिक ओशन से मिलाता है। इसे अलास्का से ऑयल सप्लाई करने के लिए बनाया गया था। इस रोड की लंबाई 666.3 किलोमीटर है और पूरे रास्ते में सिर्फ 3 गांव आते हैं। इस रोड का 80% हिस्सा बिल्कुल वीरान है। इंसान तो दूर, यहाँ जानवर भी देखने को नहीं मिलता। इस रास्ते पर कार का जाना काफी खतरनाक है और अगर कोई जाना भी चाहे तो इसे प्रॉपर बैकअप और मेडिकल किट्स के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि इस इलाके में सर्दी बहुत ही जानलेवा है। नंबर 2, पैसेज डू गोए। दोस्तों, ये सड़क फ्रांस के एक अटलांटिक कोस्ट पर बनी हुई है। ये फ्रांस को करीब मौजूद आइलैंड से मिलाती है। ये आइलैंड पर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जो कि समंदर के दरमियान से होकर गुजरता है। ये D948 रोड 4.1 किलोमीटर लंबी है। इसमें सबसे अजीब बात यह है कि इस रोड को हर वक्त यूज नहीं किया जा सकता। जब समंदर आगे आता है तो ये पूरा रोड पानी में डूब जाता है। इस रोड पर कार ड्राइव करना बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि समंदर में कभी भी तूफान आ सकता है। अगर थोड़ी सी भी लहरें आई तो ये कार को क्रैश कर देंगी। मजे की बात यह है कि इस रोड को 16वीं सदी से ऐसे ही इस्तेमाल किया जा रहा है। जब समंदर पीछे हटता है तो गाड़ियां 1.5 घंटे में क्रॉस हो जाती हैं। नंबर 3, जुजीला पास। दोस्तों, जुजीला रोड एक लंबा पास है जो कि इंडिया के कश्मीर में वाकया है। ये रोड हिमालय के पहाड़ों की वेस्टर्न साइड पर बना हुआ है। ये रोड जमीन से तकरीबन 11,475 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। इस रास्ते का ज्यादातर हिस्सा कच्ची सड़कों पर मुश्तमिल है। ये सारा रोड पहाड़ की चोटी पर वाकया है। ये दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों में से एक है। सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि इस रोड में कोई सेफ्टी नहीं है, ना लाइट्स, ना कोई खतरे का निशान और ना ही कोई रोड साइन है, और जहाँ से डैमेज हो जाए वहाँ से रिपेयर भी नहीं किया जाता। इन सब के अलावा कश्मीर में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, जिसकी वजह से सारा रोड बर्फ से भर जाता है और यहाँ इतनी खतरनाक स्लिपिंग होती है कि एक्सपर्ट ड्राइवर भी हार मान जाते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि 2009 में यहाँ इतनी शदीद बर्फबारी हुई थी कि इस रोड पर 350 लोग फंस गए थे और वो काफी दिनों तक इसी रोड पर फंसे रहे थे। इस रोड पर सिर्फ एक्सपर्ट नीडर ड्राइवर्स ही ड्राइव कर सकते हैं। नंबर 4, 52 टनल्स। दोस्तों, ये खतरनाक रोड इटली में वाकया है। ये सड़क किंगडम ऑफ इटली के लिए बनाई गई थी। ये रास्ता पहाड़ों को साइड से तोड़कर बनाया गया है। ये पूरा रोड पहाड़ों की चोटियों और गारों पर बना हुआ है। इसे बनाने के लिए आम हथौड़ों का इस्तेमाल किया गया था और इसे बनाने वाले सच में बहादुर थे। ये रोड दो इलाकों में चीजों की ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनाया गया था। इस रोड को आज भी अपने टाइम की मास्टर इंजीनियर कहा जाता है। इस रोड को 6 फरवरी 1907 को बनाना शुरू किया गया था और ये सिर्फ चंद ही महीनों में बनकर तैयार हो गई थी। इसे 33rd माइनस कंपनी ने बनाया था। इसमें सबसे मजेदार चीज ये है कि ये पहाड़ों की गारों में से होकर गुजरता है। इसे 600 लोगों ने मिलकर तैयार किया था। इसकी लंबाई 6555 मीटर है। इस रोड पे 52 टनल्स हैं और इन टनल्स को हथौड़ों की मदद से तोड़ना एक सच में कमाल बात है। ये दुनिया की सबसे खतरनाक रोड में से एक है। नंबर 5, लॉस कैराकोल्स पास। दोस्तों, ये कमाल का रोड चिली मुल्क में वाकया है। ये एक पास है जो की चिली मुल्क को अर्जेंटीना से मिलाता है। इस रोड की टोटल लंबाई 4,970 फीट है। ये सड़क जमीन से तकरीबन 10,500 फीट ऊंची है और ये अर्जेंटीना के मेंडोसा रीजन को चिली के कैपिटल सेंटियागो से मिलाती है। ये पास दुनिया के सबसे वाइंडिंग रोड्स में से एक है। जब इसे किसी ड्रोन की मदद से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा जिगजैग लगता है। इस रोड को चिली के लोकल लोग स्नेल्स कहते हैं, क्योंकि ये 20 टर्म्स पर मुश्तमिल है और इनमें सेफ्टी बिल्कुल भी नहीं है। कई बार ट्रक्स इन टर्म से मुड़ते हुए नीचे भी गिर जाते हैं। इस लिहाज से ये अजीब होने के साथ साथ निहायत खतरनाक भी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अपनी नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।